आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे कि सेल्स वाउचर में अपेंड ऑप्शंस किस तरीके से काम करता है। तो अपेंड ऑप्शन को सीखने के लिए सबसे पहले अपने को बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस को ऑन करना है। तो बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फिगर पर जाएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा बिल बाय बिल डिटेल, इसको आपको सिंपली टिक करना है। कॉन्फिगर पर आप जाएंगे, एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू रेफरेंस, इसको आपको टिक करना है। एंड एनेबल बिल रेफरेंस नरेशन, इसको आपको टिक करना है। अनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट्स, इसको आपको टिक करना है। और ओके करके आप सेव कर देंगे। तो सबसे पहला अपना स्टेप था कि अपने को बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस को यस करना है। अब अपने को क्या है, सेल्स के बिल अपन जनरेट करेंगे। जैसे मैंने सेल्स वाउचर पर गया, एक डेट ले लेते हैं, जैसे 10 दिसंबर मैंने डेट ले ली, एक बिल नंबर ले लिया 980। यहाँ पर अपन लोकली सेल कर रहे हैं तो लोकल ले लेंगे। एक पार्टी ले लेते हैं जैसे मिस्टर ए है, इनको अपन ने 10 दिसंबर को सेल किया। तो सबसे पहले आपको मिस्टर ए की पार्टी को ऑल टाइम से एडिट करना है और यहाँ पर देखना है कि मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग जो ऑप्शन है वो यस होना चाहिए। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन यस है, इसको अपन सेव करेंगे और यहाँ पर मिस्टर ए पार्टी अपन सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे अपन ने इनको गुड सेल किए, कोई 5% के आइटम के 10 पीस, और यहाँ पर सिंपली अपन ने GST लगा दिया, बिल बन गया 1050 रुपये का। अब जैसे आपने ये फर्स्ट बिल एंटर किया इस डेट को मिस्टर ए को, तो यहाँ पर अभी अपेंड ऑप्शन नहीं आएगा, अभी यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा। तो न्यू रेफरेंस में आप यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली आता है वो बेसिकली बिल नंबर ही आता है, जैसे इसका बिल नंबर 980 है तो वही यहाँ पर आ गया। आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते, अभी अपन यही रहने देते हैं और इस बिल को अपन सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 10 तारीख को मिस्टर ए को एक बिल इश्यू किया। अब 10 तारीख को वापस ये अपने से गुड्स खरीदना है तो इनको अपन ने एक बिल और इश्यू किया। अब अपेंड ऑप्शन अपना काम करेगा। सपोज करते हैं 5% के इन्होंने 20 आइटम अपने से परचेस किए और GST लगकर टोटल बिल बन गया 2100 रुपये का। अब क्या हुआ, अब जैसे आप F2 से सेव करेंगे तो यहाँ पर स्पेस बार से आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रेफरेंस नंबर, आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर इनका जनरेट कीजिए, फिर जब पेमेंट जमा करेंगे तो रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। अब यदि जो सीखने वाली बात है, अपन ने अपेंड ऑप्शन का यूज किया, पहले आप F9 से रो डिलीट कीजिए, स्पेस बार दबाइए, अपेंड ऑप्शन लाइए। अपेंड ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि यदि आपने एक ही डेट को एक पार्टी को दो बार गुड सेल किया है तो उनका वो एक ही रेफरेंस जनरेट कर देगा। एक ही डेट को एक ही पार्टी को दो बार गुड सेल किया है तो वो एक ही रेफरेंस, अगर आप चाहें तो वो अपेंड ऑप्शन की सहायता से आप एक ही रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर अब जैसे आपने अपेंड ऑप्शन का यूज किया तो ये पूछेगा कि भाई 10 तारीख को देखिए एक बिल और अपन ने इश्यू किया था, उसका रेफरेंस भी यहाँ पर आ गया, स्पेस बार दबाने से 980 10 तारीख आ गई है, अमाउंट भी आ गया है। तो यानी आप इस बिल का और ये जो सामने शो रहा है 980 रेफरेंस नंबर का बिल, अगर आप इनका एक ही रेफरेंस जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपेंड ऑप्शन का यूज करें और यहाँ पर ये पिछले वाले बिल का रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया तो ये हो गया, इस तरीके से अब दोनों बिल का एक ही रेफरेंस जनरेट हो गया। अब मैं एक बार मिस्टर ए की ब्लेजर्स खोलता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि दो बिल अपन ने इनको इश्यू किए हैं, एक बिल है 1050 रुपये का और एक बिल है 2100 रुपये का। इस तरीके से 10 तारीख को ये हो गया। अब अपन इनके अगर पेमेंट जमा करते हैं, ट्रांजेक्शन पर मैं जाऊंगा, रिसिप्ट पर जाऊंगा और 15 तारीख मैंने सेलेक्ट कर ली, तो जैसे ही मैं क्रेडिट पर जाकर मिस्टर ए लिखूंगा तो आप देख पा रहे हैं जो भी अपन इनसे टोटल बैलेंस मांगते हैं वो यहाँ पर आ गया है कि अपन इनसे 3150 रुपये मांगते हैं। अब जैसे आपने कहा जी इन्होंने अपने को 1050 रुपये दिए, तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट पर जाएंगे तो देखिए दोनों बिल का एक ही रेफरेंस जनरेट हो गया है और उनकी पूरा अमाउंट भी आ गया है। तो अब आप इस तरीके से भी जमा कर सकते हैं, दो बिल थे, पहला बिल था 1050 रुपये का तो आपने 1050 रुपये सेट ऑफ कर दिए, ठीक है, ये कैश में जैसे अपन ने इनसे ले लिए। अब सपोज करते हैं 18 तारीख को फिर ये आए तो अब वो मिस्टर ए पार्टी अपन ने सेलेक्ट करी तो अब 2100 रुपये रह गए। तो अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट में आप देखेंगे कि 2100 रुपये
क्लोजिंग जो अपन इनसे मांगते हैं वो आ गए, तो आप अपने हिसाब से इनका सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अपेंड ऑप्शन होता है वो एक ही डेट को, एक ही पार्टी को, यदि आपने दो बार गुड सेल किया तो उनका वो एक ही रेफरेंस जनरेट कर देगा, फिर आप अपने हिसाब से उनकी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने दो एंट्री पास कर दी और इनका जो अमाउंट था वो अपन ने जमा कर लिया। जैसे सपोज करो इन्होंने 15 तारीख को 3,150 रुपये देते तो वो भी अपन जमा कर सकते थे। अब आप मिस्टर ए की पार्टी को ओपन करेंगे तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस जीरो। इस तरीके से अपेंड ऑप्शन सेल्स वाउचर में काम करता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, और यदि आप बिजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, और अच्छे लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।